नीमच शहर में इन दिनों कई स्थानों पर नई घुमटियां रखी गई है। इनमें से कुछ को नगरपालिका से अनुमति प्राप्त है तो कुछ अतिक्रमण को आतुर है। आलम यह है कि शहर का प्राइवेट बस स्टैंड हो या सिटी रोड या फिर शहर के अन्य क्षेत्र ही क्यों ना हो, हर जगह घुमटियां दिखाई दे रही है, लेकिन इस ओर नगरपालिका का कोई ध्यान नहीं है। शहर में कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां नगरपालिका ने घुमटियां रखने के लिए स्थान दिए थे, लेकिन जब से वे घुमटियां उन स्थानों पर रखी गई तब से आज तक खुली भी नहीं है। लेकिन अब तक नगरपालिका ने ऐसे लोगों पर भी कोई खास कार्रवाई नहीं की है। शहर में कई घुमटी के मालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी घुमटी को किराए पर भी दे दी है, लेकिन इस ओर नगरपालिका के जिम्मेदारों का अब तक कोई ध्यान नहीं है। मामले में जब के खबर ने नगरपालिका के प्रभारी CMO जगदीश मालवीय से चर्चा की तो उनका कहना था कि हम जल्द ही शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 ऐसी घुमटियों की सूची तैयार की गई है जो अतिक्रमण कर रखी गई है। प्रभारी CMO कहते हैं कि जल्द ही दूसरी सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही टीम बनाकर कार्यवाही करेंगे। हमने उसकी सूची बना रहे हैं, कुछ घुमटियों की सूची बना ली गई है और सूची बनाने का क्रम जारी है। जितनी भी ऐसी घुमटियाँ हम सबकी सूची बना के और हटाने की कार्यवाही करेंगे। आखिर कब तक यूँ मान लेते हैं अपन कार्रवाई हो जाएगी इसमें? कुछ सूची तो बन गई है अभी, हमारे कम से कम 10-20 घुमटियों की बना रखी है हमने, है ना। उसको हटाने की कार्यवाही करते हैं और इसी क्रम में दूसरी आगे भी बनेगी। सर इसमें परमिशन की क्या प्रोसेस रहती है, अगर कोई परमिशन लेके रखता है या फिर? तो जगह देखनी पड़े, जगह अगर वहाँ है तो वो संबंधित आवेदन दे, राजस्थानी दफ्तर शुल्क के अंदर जो भी उसका नियम है ना उसके अंतर्गत उसको अस्थायी तौर पर दी जाती है। नहीं, बस स्टैंड पर 2 घुमटी रखाई है, उसकी परमिशन दी। आप जो शहर की बता रहे हो शहर हम दिखवाना पड़ेगा। बस स्टैंड पे भी 5 रखी गई है सर, 2 की परमिशन के बावजूद भी। हाँ तो हम आरओ साहब से दिखवा लेंगे कल।